व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जबकि बाकी पार्टी को इजाजत भी दी जाती है उनके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं। हम तो ये कहते हैं सबको इजाजत मिलनी चाहिए, जैसे हमारे गौर हुकूमत में लॉन्ग मार्च की भी इजाजत थी, जलसों की भी इजाजत थी, मुस्लिम की जलसों की भी इजाजत थी। मैं सिर्फ अब आपको यहाँ ये कहने आई हूँ कि हमारे लीडर का पैगाम है, हमारे लीडर का ये पैगाम है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट के अलावा कोई और हल नहीं है, क्योंकि पहले हमला फिर हमला तरीके इंसाफ पर हुआ, फिर हमला शायर उठा लिए, जजेस उठा लिए, हमारे सहाफियों को उठा लिया, अब हमला पाकिस्तान के आईन पर हुआ। तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी अजूर आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि हम इस आईन के लिए हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जो आज आप ये देख रहे हैं ना, हम क्यों बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं, हम क्यों बार बार अदालत के आगे कह रहे हैं कि आप हमें इसी से जगह लेकर दें, उसका एक ही वजह है। हम पिटिशन पे पिटिशन क्यों लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम आईन और कानून के दायरे के अंदर सारा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अब आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये हकूमती दहशत गर्दी करेगी तो फिर उसका जवाब अवाम देगी, अवाम निकलेगी किसको और दिखा देगी कि हम वो जिंदा कौम है जो 8 फरवरी को भी निकल दिया, 8 सितंबर को भी निकल दिया और 21 सितंबर को मीनारे पाकिस्तान हर तरफ। पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आईन की सरबुलंदी के लिए एक है, इन बैंडेड चोरों के खिलाफ एक है, खान की रिहाई के लिए एक है, और ये दिन ब दिन ये जो हमारा हर बढ़ता हुआ कदम है ये इस फॉर्म को डीसीएम की हकूमत को घर भेजेगी, क्योंकि अब ये जो फॉर्म को डीसीएम की हकूमत है या आपने देखा है कि किस तरह की कठपुतली है, जिनको ये नहीं पता कि अमेंडमेंट का आईनी मुसवदा क्या है, जिनको ये नहीं पता कि उसमें तरमीम क्या की जा रही है, जो वहाँ पर इजलास को बुला रहे हैं लेकिन किसी के इंतजार और किसी की धमकी के लिए बैठे हुए। तो मुझे अब आपसे पूछना है, क्या आपको जमूर का फैसला मंजूर होगा, क्या आपको ये कठपुतली हकूमत मंजूर है? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, खान की रिहाई के लिए, आयन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, और ये जो शबकूद में शबकूद मारा जा रहा है ना, वो जो नकाबपोश पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, तो कल रात को सबदा आने के बाद हमें ये पता चले कि ये पार्लियामेंट पर हमला नहीं था, ये अदलिया पर हमला था। हमारे वकला तैयार है, हमारी खवातीन तैयार है, हमारे नौजवान तैयार है। मैं सिर्फ इतना बता दूँ, अब अगर कोई ऐसा आईनी मुसवदा पास कराने की कोशिश की गई तो हम फिर खान के इशारे का इंतजार नहीं करेंगे, हम निकल पड़ेंगे कि मुल्क की सरबुलंदी, मुल्क का वकार, आईन की बालादस्ती हमें सबसे आगे है। बात जब तक हम तक थी तो खैर थी, लेकिन अब बात इस पाकिस्तान की सलामती, अदलिया की सलामती पर आ गई है, तो हमें से कोई घर बैठने को तैयार नहीं।